हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन की। बहुत सारे लोग मेरे को मेल कर रहे थे, देन कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बार आ रहा था। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं डिप्रेशन पे एक वीडियो बनाऊं कि किस तरह से हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं और क्या क्या साइंस रहते हैं कि हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई डिप्रेशन में है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ बेसिकली कि जब आप प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हो तो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर टाइप मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है डिप्रेशन। आप कॉन्टिन्यूसली एक स्टेट में ही रहते हो, आप चेंज नहीं करते। बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, आप थोड़ा सा किसी लाइफ सिचुएशन की वजह से थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में रहते हो, देन आफ्टर अपना स्ट्रेस रिलीज कर देते हो इन अ नंबर ऑफ वेज। आप कभी रोते हो तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, और अगर आप कभी कोई ऐसा वर्क करना स्टार्ट कर देते हो या फिर कोई काम में लग जाते हो तो आपका स्ट्रेस रिमूव हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। बट डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आप बेसिकली एक प्रोलॉन्ग एक ही तरह में आप फीलिंग्स लेते हो। तो साइंस सबसे पहले क्या रहते हैं वो हम लोग जानते हैं डिप्रेशन के। अब डिप्रेशन को देखना, डिप्रेस्ड पीपल को बेसिकली समझना, उनको देखना कि वो है, वो कोई डिप्रेस्ड है भी कि नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज कहते हैं कि कई हंसते चेहरों के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हमेशा होती भी नहीं है। बट देर आर सर्टन वेरी स्पेसिफिक कोर साइंस जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई डिप्रेस्ड है भी या नहीं है। तो सबसे पहला साइन जो डिप्रेस्ड पर्सन का ये रहता है कि अगर आपको कोई प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से बोल रहा है, या कभी कभी वो डिप्रेस पीपल जो होते हैं वो शेयर भी कर देते हैं चीज़ कि मुझे आजकल नींद नहीं आ रही, ठीक है। तो बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर कोई और चीज़ है। वो डिजीज़ वाला पैटर्न हम लोग साइड पर रख के डिप्रेशन की यहाँ अगर बात करें तो ऐसे लोगों को जो डिप्रेस्ड होते हैं उनको प्रॉपरली नींद नहीं आती। अगर वो सोते भी हैं तो वो तब भी ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से, जब भी आप उनसे कोई बात करोगे, सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि वो लोग बहुत ओवरथिंक करेंगे, हर एक छोटी चीज़ को बहुत ओवरथिंक करेंगे। एक मिनिमल सी जो चीज़ आपको लगेगी ना खुद कि ये तो बहुत छोटी सी बात पे इतना कि उसमें सोच रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो वो डिप्रेस्ड होते हैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे। और एक बात और होती है, दे कीप ऑन सेइंग दैट हमें कोई सुनता नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है। बिकॉज जो उनकी इनर डिज़ायर होती है कि हमें कोई सुने, हमें कोई वो एक्सेप्टेंस बेसिकली लेना चाहते होते हैं हर एक चीज़ से। तो वो क्या करते हैं, दे कीप ऑन सेइंग कि हमें कोई समझता नहीं है, हमें कोई समझता नहीं है, कोई प्रोलॉन्ग्ड वे में, नेगेटिव वे में बोलना स्टार्ट कर दे तो वो डिप्रेशन में होता है ज़्यादातर। एक और साइन रहता है कि वो उनके जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो प्रोलॉन्ग, मतलब बिल्कुल रेगुलर वे में नहीं होती। आप उनको देखोगे कभी कभी वो ज़्यादा खाने लग पड़ते हैं और कभी कभी वो खाते ही नहीं है पूरे पूरे दिन में, ठीक है। इसके और भी फैक्टर्स काफ़ी सारे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हो सकता है कि उनको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो या फिर कोई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हो, उसके कारण हो सकता है। बट अगर हम आज सिर्फ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो डिप्रेशन में एक डिप्रेस्ड पर्सन का एक और साइन होता है कि उनको भूख नहीं लगती अंदर से, दे आर नॉट फीलिंग गुड समटाइम। एकदम से उनमें आता है कि हाँ भाई चलो खा लिया जाए, और एक टाइम में आता है कि क्या करना है, खा के छोड़ो, ठीक है। एक ये साइन रहता है। और उनमें कॉन्टिन्यूटी में एक चीज़ ये रहती है कि वो हर एक चीज़ के लिए होपलेस फील करते हैं। वो ऐसा फील करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं सोचते, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं सोचते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये शायद ख़राब ही होगा, है ना, ये फिर से जो ये सिचुएशन है ख़राब ही हो जाएगी। और एक चीज़ ऐसी भी होती है, कई बार वो सोचते हैं ठीक है चलो होने दो जो होता है ना, तो वो उसको भी नेगेटिव सेंस में लेते हैं, होने दो जो भी होता है, है ना, क्योंकि उसको वो मान चुके हैं कि कुछ होना होना है नहीं है इस वे में, तो वो इस वे में सोचते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिप्रेस पीपल होते हैं वो अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए, वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं दूसरों से। वो अच्छी तरह से आपसे अपने दिल की बात नहीं कर पाते, नॉट इवन विद द बेस्ट
फ्रेंड्स और विद योर पार्टनर, विद योर पेरेंट्स, किसी से बात इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते, इतनी अच्छी तरह से अपने विचारों को, इतनी अच्छी तरह से अपने इमोशंस को कवर अप नहीं कर पाते और बोल नहीं पाते। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है इस चीज़ का कि आप कोई किसी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो डिप्रेस्ड है। और एक होता है ओवर ही खुश, है ना, एक बहुत ओवर खुश वाले भी कई बार हम लोगों को दिख जाते हैं। एक तो होता है ओवर एक्साइटेड पीपल, है ना, हर एक काम के लिए जो एक्साइटमेंट रहती है कई बार, जैसे मैं थोड़ी सी कई बार ओवर एक्साइटमेंट में आ जाती हूँ ये चीज़ में, तो इट इज़ नॉट द साइन दैट आई एम डिप्रेस्ड, राइट, इट इज़ द साइन दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। बट एक ऐसा भी सिचुएशन आती है जो ओवर ही, मतलब ना आपको उनके चेहरे से ही, जो उनके क्लोज्ड वन है स्पेसिफिकली, अगर वो बड़ी कीन आई से ऑब्जर्व करें तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो बहुत आराम से हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब ओवर ही लाफ्टर में कभी कर देंगे, कभी ओवर ही रो पड़ेंगे, है ना, कोई बात नहीं होगी। तो ये मूड स्विंग्स उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, ये आप लोग नोटिस कर सकते हो जो डिप्रेस्ड होते हैं। सो ये थे सारे के सारे साइंस कि आप पता लगा सकते हो कि कौन डिप्रेस्ड है या नहीं है। ठीक है, ये होता है कि अगर ये लॉन्ग, मतलब पूरे के पूरे फॉर अ लॉन्ग पीरियड सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं तो ये साइंस वर्क करते हैं, वरना अगर थोड़े थोड़े टाइम के लिए है तो वो जस्ट स्ट्रेस है थोड़ी देर का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब है ये तो हो गए साइंस, हमने डिप्रेशन के बारे में पढ़ लिया कि होता क्या है, साइंस क्या है। सो अब नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के जो कॉजेज होते हैं वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। डिप्रेशन के कॉजेज जो होते हैं बेसिकली, सबसे पहला ये रहता है कि स्टार्टिंग लाइन ये होती है, कोई लाइफ सिचुएशन आती है ऐसी, है ना, जो ड्रास्टिक लाइफ सिचुएशन कईयों के लाइफ में आ जाती है, कईयों के लाइफ में किसी की क्लोज वन की डेथ हो जाती है, कईयों के लाइफ में कई जो गोल्स होते हैं उनके जो वो अचीव नहीं कर पाते बट उससे वो बहुत जुड़े होते हैं, उस टाइम पे बाद उसके बाद ही वो डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट कर देते हैं, या उनकी डिजायर्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, या कुछ ऐसा कि वो एक जगह पर मतलब अपने आप को महसूस करें और ये महसूस करें कि मैं यहाँ से आगे अपनी लाइफ में बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। कई बार कईयों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, या फिर कई ऐसा होते हैं कईयों के डाइवोर्स हो जाते हैं, या फिर मतलब कोई भी नंबर ऑफ रीजंस विल बी देयर, तो वो इस टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनका जो स्ट्रेस है ना वो डिप्रेस्ड मोड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले तो ये कॉज रहता है एक लाइफ सिचुएशन, इसको तो हम लोग कोई हैंडल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ सिचुएशंस के बाद ओवरथिंकिंग। एक हमें आदत भी पड़ जाती है कई बार ओवरथिंक करने की, है ना, ये हमारी हैबिट में आ जाता है। क्या होता है इसमें, पेरेंट्स और जो हमारे साथ में अराउंड पीपल होते हैं, बेशक टीचर्स हों, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम टीचर्स या पेरेंट्स गुजारते हैं, उनके छोटे छोटे फ्रेंड्स, है ना, और हम लोग अगर बड़े हैं तो हम लोगों के साथ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है। तो अगर आपके जो अराउंड पीपल हैं वो बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस भी हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और हम डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे। तो ये सेकंड फैक्टर रहता है कि ये एक डिप्रेशन का कॉज हो जाता है कई बारी। एक होता है ओवर एम्बिशियस जो सर्कल बन जाता है, ठीक है, एक है सर्कल ऐसा हमारा फ्रेंड्स का बन गया जिसमें सभी बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, बट वो एक नेगेटिव साइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट। तो ये भी एक डिप्रेशन का मोड कई बारी बन जाता है एक इंडिविजुअल में, उसको फील होना स्टार्ट हो जाता है यार बाकी सब तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम पे, है ना। वो ये नहीं सोचते अपने बारे में क्योंकि उनको फील भी फ्रेंड्स इसी तरह से कराना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो डिप्रेस्ड मोड में चल जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है, लोग ज़्यादातर जो अपने फैमिली सिचुएशंस में रहते हैं तो अगर उनकी फैमिली के कई लोग काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, मतलब वो नेगेटिव सोचते हैं या वो अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, तो वो आपको भी वही की वही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर आपके ऊपर भी वही चीज़ आ जाती है और आप डिप्रेस्ड मोड में रहते हो। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, फाइट्स चलती रहती हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता, तब भी कई बार जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं या हम सब होते हैं तो वो डिप्रेस्ड मोड में जाने की उनको बहुत ज़्यादा एक तरह का मोड मिल जाता है। तो ये कॉजेज नेसेसरी जो होते हैं वो डिप्रेशन के रहते हैं। अब हैं कि वो हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, है ना। हम लोग अब देखो, अब डिप्रेस्ड कोई पर्सन है, अगर आपको उसकी हेल्प करनी है तो सबसे पहले उसको खुद की हेल्प
कराने के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई रेडी नहीं होगा तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, है ना। तो वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे चीज़ों से उसकी हेल्प कर सकते हो और उसे भी पता नहीं चलेगा कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो और आपको भी पता नहीं चलेगा कि वो कब से कब ठीक भी हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसी उसके अराउंड सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप अपनी उनके छोटे छोटे इवेंट्स के लिए, जैसे उनका बर्थडे आ रहा है या उनकी एनिवर्सरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उनके लिए आप एक्साइटमेंट शो कर सकते हो उनको, दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट देम, यू आर हैप्पी लिविंग विद देम, है ना। और उनको छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे अपने साथ आप कहीं घूमने के लिए उनको ले जाओ, वहाँ पर उनसे कभी भी इस चीज़ की बात मत करो कि दे आर डिप्रेस्ड, है ना, ऐसी कभी बात नहीं करनी उनको, बस बोलना ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं। अगर वो बात भी करते हैं इसके रिगार्डिंगली तो आप इसको टाल के इग्नोर करके उनकी सुनो, ज़रूर सुनो, बट साथ ही साथ उनको इग्नोरेंस का फैक्टर भी सिखाओ कि हमें इसे इग्नोर कैसे करना है। ऐसा नहीं बोल के लेक्चर दे के कुछ सिखाओगे, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, ठीक है, उनकी हर एक बात को अच्छी तरह से सुनो और ज़्यादा मोस्टली बातों को एक्सेप्ट भी करो अगर वो सही है तो। उनको बाहर घूमने लेके जाओ, उनकी एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प करो, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। और ये पेयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस होता है, जिसके कारण वो ठीक हो जाते हैं। अब हर कोई बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उस डिप्रेशन के सर्कल से बाहर निकल सके, तो जो उसके साथ वाले लोग हैं अगर वो चाहते हैं एग्जैक्टली कि वो बाहर निकले, तो उनको बड़ा नॉर्मल बिहेव करना होगा, उनको ऐसा बिहेव करना होगा कि हम लोग इन्जॉय करने आए हैं इस लाइफ को, इस अर्थ में इन्जॉय करने आए हैं, तो हम सारे इकट्ठे इन्जॉय करेंगे, चलो हम कहीं चलते हैं, चलो हम आज डिनर करते हैं, चलो आज वो बनाओ हमारे लिए कुछ बनाओ, मतलब उनको ओवर फोर्स भी नहीं करना है इन चीज़ों के लिए। जब वो कहे ओके मेरा मन नहीं है आज जाने का, बट उनको थोड़ा सा बोलो कि चलो एक बार ट्राई तो करते हैं जाने का, चलो चलते हैं, नहीं करते तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ी स्पेस भी देना सीखो, इतना सिर पे भी नहीं चढ़ना, ठीक है। एक ये फैक्टर रहता है, आप उनको इस तरह से ठीक कर सकते हो। और सेकेंड फैक्टर रहता है कि आप, ये तो सारा हो गया कि इसमें सभी कुछ आ गए, फैमिली आ गई, उसके फ्रेंड्स आ गए, वो सब कुछ उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है कि आप एज अ पेरेंट अगर हो तो आप उनके, अगर बच्चे स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप उनके टीचर्स को इस बारे में अवेयर कर सकते हो कि हमारा बच्चा इस टाइम में थोड़ा डिप्रेस्ड मोड में है, तो उससे एक बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ उनको वेलकम किया जाए, है ना। तो इसमें टीचर्स को तो पहले से ही आर्ट आता है बच्चों को हैंडल करने का, तो वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। और उनको ये ज़रूर बताइए कि उनके सामने बार बार मत बोलना कि आप डिप्रेस्ड हो या कुछ हो, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इन चीज़ों में। सो ये सारे थे डिप्रेशन होता क्या है, साइंस के होते हैं डिप्रेस्ड पर्सन के, और आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, कॉजेज़ क्या रहते हैं डिप्रेशन के, ठीक है। और अगर आप खुद ही एक डिप्रेस्ड पर्सन हो तो आप अपनी हेल्प किस तरह से कर सकते हो, मैं वो भी आपको बताती हूँ, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग भी एक सर्टेन लाइफ सिचुएशंस में कभी ना कभी स्ट्रेस में आए होते हैं और वो प्रोलॉन्ग हो जाता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है कई बारी, है ना। तो ऐसे ही फेजेस से मैं भी कई बारी गुजरी हूँ, बट मैंने अपने आप को किस तरह से हैंडल किया उस टाइम पे, मैं वो आपको अपने थोड़े से गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताऊंगी। और अगर किसी को भी अपने जैसे उन्होंने ओवरकम किया डिप्रेशन को, या आपने किसी को हेल्प की डिप्रेशन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, बिकॉज, और शेयर इसको ज़रूर करना, बिकॉज बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेस्ड हैं, और कभी वो कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो हम लोगों के लिए भी अच्छी नहीं होती, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को। आप अपने बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी आप लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में मेरे, और आगे आपका जो भी सारी वीडियोस चाहिए होंगी वो भी कर सकते हैं हम लोग इन चीज़ों पे। तो मैं आपको अभी बताने लगी थी कि हम लोग अगर खुद डिप्रेस्ड हैं तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं ट्रीट खुद को, राइट। अब डिप्रेशन में क्या होता है, एक सडन इमोशंस अराइज होते हैं कभी भी ना, एकदम से हमारा लेजीनेस रहती है प्रोलॉन्ग, हमें मन ही नहीं करता कुछ काम करने का भी, है ना, और रहता है कि कुछ होना होना तो है नहीं है। तो सबसे पहले आप बाहर इंजॉय करना सीखें अपनी लाइफ को, सबसे पहले अपने आप को एक मौका दें, कोई अगर मिस्टेक हो भी गई, कोई लाइफ सिचुएशन ऐसी आ भी गई, उसको एक टाइम पे ऐसे सोचिए कि चलो कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, अब मेरे को इसमें से बाहर निकलना है। अपने आप को बार बार रोज समझाइए
और रोज अच्छे अच्छे काम कीजिए, बेशक एक छोटा सा काम अच्छा कीजिए अपने लिए। आप अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं, डिनर, लंच, है ना, नहीं भी आता बाहर से मंगवा सकते हैं। और ज़्यादातर बाहर जाना शुरू कीजिए, ठीक है, जैसे आप बाहर जाते हैं और बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में जाइए, बिकॉज कई बार आप डिप्रेस थॉट्स में होते हो तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से अवेयरनेस नहीं रहती। आप गार्डन्स में जा सकते हैं बाहर बाहर, अपने थोड़े फ्रेंड से भी मिलना, आप चलो लेट स्टार्ट करेंगे बट धीरे धीरे खुद के साथ एंजॉय करना स्टार्ट करो, बाहर कुछ खाने पीने चले जाओ, है ना, या अपने फ्रेंड्स अगर थोड़ा सर्कल है तो उनके साथ आप घूमने एक बारी चले जाओ। अगर वो कोई बात करें डिप्रेशन वाली, उनको बोलो बस वे इग्नोर, है ना। हम लोग तो वैसे अगर डिप्रेस्ड हैं तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से फेक चीज़ें कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उस टाइम पे फेक कर दें, हम लोगों को बोले यार बस कर, चल अब कुछ इंजॉय करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे इंजॉयमेंट हो जाएगा और आप देखोगे अपने आप में कि एक टाइम ऐसा आएगा आप उस सर्कल से बाहर भी निकल चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। I know the video is quite long for some of you, but it is very very important. अगर आप एक भी point अपनी life में cover up कर लें या किसी को बता दें या आप share कर लें, तो मैं इस video के लिए specifically बोल रही हूँ share करने को, ज़्यादा subscribe का मुझे इतना ज़्यादा नहीं रहता, because मेरे को होता है कि अगर मेरा thoughts किसी एक बंदे को भी चले जाते हैं that is more than enough for me, right? So this is all about today. So do subscribe, like and share as much as you can, right? So this is all about today. So bye-bye.